कैरल से हाय। कैरल हाय, इधर कैरल का रही है नाश्ता चाय रस। आज काफी दिनों के बाद उसने कहा है। तो हेलो जी एवरीवन, कैसे सा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के व्लॉग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ता करने के बाद। तो जी इधर मैं अपना ये कल वाला व्लॉग लगाया हुआ वो मैं देख रही थी, तो सारे गई थी इधर विलेज। तो आप भी इसे जरूर इंजॉय करें क्योंकि इसके व्यू बहुत ही कम आया है, तो आप ज़रूर देखें। ये बहुत ही, इसमें मैंने काफ़ी कुछ शेयर किया और बहुत ही अच्छा ये व्लॉग है, आप ज़रूर इंजॉय करें। मैंने काफ़ी मेहनत किया। लीजिए को देखो, ये इसके पापा का नाश्ता पड़ा है और ये आ गई है खाने। पापा किधर गए? नाश्ता वगैरह करने के बाद अब मैं ये करने लगी हूँ बर्तन साफ। तो आज मैंने नाश्ता आपके साथ शेयर नहीं किया, लेकिन अभी हमारे घर में नाश्ता चल रहा है। क्या टाइम? 12:30 हो गया, 1:30 पर भाई नाश्ता करते हैं। ठीक है, ये आशर का नाश्ता चल रहा है। चले जी, मैं बर्तन डन करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये जी बर्तन वगैरह मैंने सारे वॉश कर लिया, किचन को नीट कर लिया है। तो जी प्लान था हमारा आज मूवी देखने का पठान, तो वो हमने देखनी थी तो लेकिन नहीं देख पाए। देखते अभी देखते कि नहीं, शहजाद की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, ये रूम भी मैंने अभी नीट करना है। तो इधर मैं कह ही रही थी शहजाद को कि आप ये बंद करें और हम मूवी देखते हैं, तो लेकिन नहीं देखी। तो फिर जी अब मैं आपके साथ जो है ना अपनी जो भी रूटीन होगी नेक्स्ट वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। भाई बेटा छोरी, मम्मा लाना भूल गई है, अभी ना मम्मा खाना बना लेना शाम का, तो फिर जाएंगे। जूस दीदी, मैं आपकी मामा हूँ। ओके अभी जाते हैं, ठीक है। मैं ला के देती हूँ। ओके मैं ला के देती हूँ, मैं ना खाना बना लूँ, ठीक है। तो आज ही मैं ये लेके आई हूँ पोटा के लिए जी, लेकिन इनमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसकी ग्रेवी पसंद है, तो इसलिए ये मैं बना लेती हूँ। तो अभी मैं ना खाने की बनाने लगी, तो फिर इसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी मेरा थोड़ा गन्ना पड़ा हुआ था, तो वो मैंने फिर गन्ना अपना खा लिया, तो इधर मेरे जख्म बन गए हैं खा के। पहले थे तो बहुत ही टेस्टी, अभी भी पड़ा हुआ था, ये देखे ये छिलके हैं इसके। तो ये जी मैं खा चुकी हूँ। तो मूवी नहीं देख पाए क्योंकि शहजाद की तबीयत सडनली ख़राब हो गई थी, तो फिर उनका नहीं रहने देते, आप मूवी रहने दो, आप रेस्ट करो। तभी शहजाद सोए हैं, तो मैं फिर अब शाम का खाना बनाने लगी हूँ। तो मैं लेके आई थी पोटा के लिए जी, और उसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। वो मुझे पसंद तो नहीं है पोटा, लेकिन मैं उसकी ग्रेवी वगैरह जो बहुत शौक से खाती हूँ, तो वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। सब कुछ रेडी करके, मसाला वगैरह उसे वॉश करके, तो आपको रेसिपी उसकी जब स्टार्ट करती हूँ तो फिर दिखाती हूँ जी। है मेथी, धनिया और ये स्पाइस, और ये भी वॉश कर लिया, और ये इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा लहसुन और टमाटर, और जी ये प्याज को मैंने चॉप करके ऑयल को गर्म करके इसमें करूँगी फ्राई। जो प्याज है ना इस तरह आप थोड़े से लाइट गोल्डन कर लेंगे ना, तो ये आपको ना प्याज़ों का पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये इनका खुद ही पेस्ट बन जाता है। तो ये इसमें मैंने डाला, शामिल करने लगी हूँ गार्लिक और टमाटो और ये पेस्ट जो कि है जिंजर और गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट है, ये सब मैं इसमें इकट्ठे शामिल कर दूँगी। इसे मैं फ्राई करूँगी, एक दो मिनट के लिए इसे फ्राई करूँगी। बिना पीछे थोड़ा थोड़ा अगर आपको शोर आए तो आप प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो बाद में भी कभी कभी ना मेरे लिए वॉइस ओवर करना भी मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है। तो इसी कारण से कभी फिर मेरी डेली वीडियोज नहीं आती, तो इसलिए ना अभी शोर कम था, तो मैं ये आपके साथ ना मैं इनके साथ साथ मैं वॉइस जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये देखिए जी ये हमारा एक दो मिनट फ्राई हो गया। तो ये जी लीजिए मैंने वॉश कर लिया है, तो जिन बच्चों को खून की कमी है ना वो ज़रूर इस अपने बच्चों को ये डाइट में दें, तो मुझे तो ये पसंद है, लेकिन इतनी भी नहीं, तो मुझे इनकी ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं खा रही हूँ। ये जी फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें ये जो स्पाइस है अपने टेस्ट के अनुसार इसमें शामिल कर रही हूँ। ये हल्दी है, नमक और सूख मिर्च है, ये शामिल कर दूँगी। फिर इसमें थोड़ा सा पानी को ऐड करके तो इसे फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा ये मैंने पानी को इसमें शामिल किया और इसे मैं फ्राई करूँगी, ये हमारे मसाले जो है सारे पक जाएं अच्छे से। तो फिर इसमें मैं वो कलेजियाँ जो शामिल कर दूँगी,
साथ साथ हमने इस तरह मसाले को ब्लेंड करते जाना है। क्योंकि हमने कौन सा इसमें शोरबा बनाना है, हमने इसमें ग्रेवी बनानी है, तो जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छे से बन जाए इसलिए हमने साथ साथ ही अपना मसाला जो ब्लेंड करते जाना है। इसे मैं एक दो मिनट के लिए फ्राई करूँगी और थोड़ी सी इसमें मैं ये मेथी शामिल कर रही हूँ ताकि ना जो इसकी स्मेल वगैरह होती है वो चले जाए अच्छे से। तो इसे फ्राई करूँगी तो फिर मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दूँगी ताकि ये सारे अच्छे से कुक हो जाए। बहुत सारी फ्राई हो गई है, मसाले भी थोड़े मेरे बाकी है, तब मैं इसमें ये एक कटोरी पानी। क्या हुआ ऐसे आप शरारते कर रहे हो, तो हैंड इसमें आएगा ही, बुरी बात ऐसे ना करो। ओए बहुत तंग करते, जाके खेलो, मम्मी मार रही है। तो खुद कर रही थी कूलर के साथ शरारते और हैंडी आ गया। इधर आप फूक मारो हैंडी पर, चोरी, मैंने पहले भी आपकी फूक मारी है, दोबारा मार देती। चलो डोनट्स ले लो, डोनट को डोनट्स, ठहरो मामा देती है आपको। इधर मामा ने छुपा के रखे हैं, ये देखो इस चॉपर में डोनट्स है, डोनट। और जूस तो मैं लाना भूल गई, ओए सब कुछ गिरा दिया आपने, ये लो। चलो जी खाओ डोनट, डोनट खाओ। आंसू देखे कैसे बड़े बड़े इधर है। कैरल तू रजती नहीं है पोइम्स देख देख के, कैरू नहीं भाई रजती पोइम्स देख देख के, बहुत पोइम देखती है। पानी जो इसमें मैंने थोड़ी थोड़ी ऐड कर दिया ताकि अच्छे से पक जाए। तो जी पकने के बाद फिर मैं आपको फाइनली उसका दिखाती हूँ। ये देखिए जी ग्रेवी बन चुकी है, तो अभी ना मैं इसमें धनिया जो है वो शामिल करूँगी, तो फिर हल्की आंच पे पड़ी है तो इसमें ऑयल आ जाएगा, तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप भी इसे ज़रूर इंजॉय करें। तो साथ में अभी बनाने लगी हूँ रोटियाँ, तो फिर ऑयल भी आ गया और अब मैं रोटियाँ बनाती हूँ। ये है जी फाइनली को, और ये बहुत ही टेस्टी बनती है, इसके फ़ायदे भी है कहीं ना कहीं, ये खाने से जो है इंसान का अगर फूड की कमी हो तो ये कलेजी खाए ना तो पूरी हो जाती है, तो बच्चों को भी ज़रूर खिलाएं। वैसे भी मेरी एक कज़न है उसके बच्ची की जो खून की कमी थी, डॉक्टर ने उसे बताया था जिसे ये डाइट में दिया करें, तो आप भी अपने बच्चों को रेसिपी को ज़रूर शेयर करें और बनाएँ। बना रही रोटियाँ भी, रोटियाँ बना कर तो सबको दे दूँगी। खाना हम खा चुके हैं तो ये जूस ले आई कैरल, तो रास्ते में इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मोबाइल कैरल के पापा के पास था। कह रहे मामा को भी जूस दो, नो पीछे वो हो रहा है गाना सॉन्ग प्ले हो रहा है, तो इसलिए क्लेम ना आ जाए। तो ये जी मैंने बेड की सेटिंग वगैरह कर ली है, अब कुछ देखते हैं तो व्लॉग को यही ख़त्म करते हैं। तो फिर कैरल बाय बोल दो व्यूअर को, बाय बाय, ऐसे सीधे हैंडी से बाय। ओके।